ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി ആദ്യം ദാന വരുമെന്ന് സിക്കാമി ധമ്മപദ് ഗാഥ 137, 138, 139 एंड 140 137 से लेके 140 तक ये चार गाथाएं एक साथ ही हैं। नंबर इनके चार अलग अलग जरूर हैं, मगर गाथा इनकी एक है, कथा भी लगभग इनकी एक ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान बुद्ध के राइट और लेफ्ट हैंड दो रहे हैं, एक सारिपुत्र रहे हैं जो राइट हैंड रहे हैं और एक महामोगल्यान रहे हैं। महामोगल्यान और सारिपुत्र दोनों दोस्त रहे और एक साथ ही अवज्ञा के लिए एक ही साथ उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान के लिए क्लासें आरंभ की थी और एक साथ ही दोनों दाखिल हुए थे भगवान बुद्ध के स्कूल में, कॉलेज में। दोनों ही बड़े होनहार थे, दोनों ही बड़े तेज थे, क्योंकि पहले ही वो अपने आप को, निज को खोजने के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कि हम क्या हैं क्या नहीं है, इस बात के लिए दोनों चर्चा करते रहते थे और दोनों ही इस बात के लिए जिज्ञासु रहते थे कि कहीं कोई उन्हें ऐसा टीचर मिले जो बता सके कि हम हैं क्या, बेसिकली निज क्या है, स्वयं क्या है, माई सेल्फ है क्या। तो भगवान बुद्ध का एक शिष्य उनको जब मिला था उसके बिहाब पे जब वो वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने दोनों ने दीक्षा ली और दोनों ही बहुत तेजी से धर्म को सीखे। महामोगल्यान की कथा इसलिए है क्योंकि दोनों ही सारिपुत्र का और महामोगल्यान का भगवान बुद्ध के रहते यानी जीते जी ही दोनों का निधन हुआ, निधन हुआ, दोनों के ही परिनिब्बत हुए। परिनिब्बत का मतलब है कि व्रत से निवृत्त हो गए, जो जीवन का व्रत है उससे अलग हो गए, खत्म हो गए, शरीर खत्म हो गया। तो महामोगल्यान की यहाँ चर्चा है कि उनका शरीर कैसे खत्म हुआ। जब महामोगल्यान सिखाते थे और बूढ़े हो गए तो उनकी जब मृत्यु का समय निकट आया तो कुछ जो निकटनाथ थे यानी जो निकट के शिष्य थे, अनुयायी थे, निगंट वाले, तो निगंट वाले बहुत ज्यादा इस बात से परेशान थे कि बुद्ध की, तथागत की, सम्यक सम की, भंगी बुद्ध की, भगवा की, भगवान की, भागवान की चर्चा बहुत ज्यादा है और इन पे आक्षेप लगाने के लिए, अपराध लगाने के लिए, दोष लगाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं है। ना तो काया का है, ना कंचन का है, ना तो पैसे का, रुपये का लगा सकते हैं और ना ही काया का दोष लगा सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने पहले ट्राई भी किया था चिंचिया के साथ में, जो चिंचिया एक महिला थी उसको भेजा था, तो वो हर बार असफल हो जाते थे। तो जब ज्यादा असफल हो गए तो उन्होंने कहा कि इनकी जो राइट और लेफ्ट हैंड है उनमें से पहले एक को खत्म किया जाए। तो महामोगल्यान को खत्म करने के लिए उन्होंने जो पेशेवर लुटेरे और हत्यारे थे उनको कुछ पैसा देके और उनको तैयार किया कि आप महामोगल्यान को मार दो। और वो जो इसी गिरी है यानी कि जो इसियों का पर्वत है वहां पर रहता है, जिसको कालशिला बोलते हैं। कालशिला का मतलब है काला पत्थर। वहां राजगृह के पास में, आप वेणु वन के पास में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको आज भी वहां काले पत्थर मिलेंगे। उन काले पत्थरों में दरअसल लोहा बहुत ज्यादा है और लोहा जंग खाकर काला हो जाता है। पत्थर तोड़ेंगे तो रेड निकलेगा, लाल निकलेगा, रेड ऑक्साइड बहुत होता है उसके अंदर। और अगर आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे तो जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन ऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है, तो काले पत्थर लगते हैं। तो वही जहां इसी लोग रहते थे, इसी का मतलब है कि जहां लोग रिसर्च करते थे, सारे वैज्ञानिक वहीं थे, उनको इसी बोलते हैं। तो उसको इसी गिरी माने जो होता है, चोटी होता है, पर्वत होता है, तो वो इसी पर्वत पे वहां जाके रहते थे। तो वहां उनकी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहीं वो ध्यान साधा तपस्या करते थे और वो इद्धि और रिद्धि बल के बहुत ज्यादा मजबूत थे। ये रिद्धि सिद्धि बल क्या होता है, जो रिद्धियां होती हैं बेसिकली, रिद्धि बोलते हैं अलौकिक बल। अलौकिक बल का मतलब है कि शरीर के बाहर का बल, शरीर के बाहर की वस्तुओं को पहचानने की बहुत बड़ी उपलब्धि। यानी कि आप बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए अगर कमरे में हैं या हॉस्पिटल में हैं या सिनेमा हॉल में हैं या अपने दफ्तर में हैं या दुकान पर हैं या जहां काम कर रहे हैं वहां हैं, या रिक्शे में हैं या ट्रेन में हैं या बस में हैं या हवाई जहाज में हैं या पैदल हैं, किसी फंक्शन में हैं, किसी मौत है वहां हैं, तो आप उसके आसपास के वातावरण को देख के और उसके एक एक आदमी की गतिविधि को देख के, जो अलौकिक है यानी कि लोग से परे है, शरीर से परे है, आप अगर ये समझ जाते हैं कि किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और जो प्रतिक्रिया है वो क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, ये बहुत अच्छी एक साइंस होती है जिसको आप इंट्यूशन भी बोल सकते हैं या फ्यूचरिस्टिक साइंस भी बोल सकते हैं। उसको वो बड़े मास्टर थे, वो लोगों की चाल से, ढाल से, बातचीत से, बैठने से, उठने से, एटमोसफेयर से, सबसे ये पता कर लेते थे कि
क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है। तो वो जो लोग थे जो मारने के लिए उनको घात लगा के आने वाले थे, वो उनको आभास हो गया, पता चल गया कि लोगों में क्या हलचल है और क्या होने वाली है, और वो वहां से एस्केप कर गए, यानी कि वहां से हट गए, वहां से गायब हो गए और वो उनको मिले नहीं। तो जो मारने आए थे वो खाली हाथ गए। ऐसा उन्होंने फिर दोबारा किया, फिर उनको आभास हुआ, उनका बल बड़ा तगड़ा था, फिर वो बच गए। ऐसे बचते बचते लगभग 2 महीने हो गए और वो हर बार बच जाते थे। जो चोर लुटेरे हैं उनको मारने के लिए आते थे और वो देख के स्थिति को समझ के अपने बल का प्रयोग करके जानकारी लेकर निकल जाते थे, तो उनके हाथ नहीं आ रहे थे। मगर फिर उन्होंने ये, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विपसना करते थे और वो बहुत ज्यादा आरत थे और सब जानते थे, उन्हें पता था कि अब उनकी मृत्यु अटल है, आने वाली है, तो उन्होंने फिर प्रयास बंद कर दिया कि नहीं, अब मृत्यु को पूरा करना ही है और मरना ही है। तो उन्होंने फिर अपने आप को वहां से हटाना बंद कर दिया, और वो जब वहां से अपने आप को हटाना बंद किया तो लुटेरों ने और चोर ने उनको कुटिया में पकड़ा और अच्छी तरह से मारा, उनके हाथ पैर तोड़े और उनको अच्छी तरह से मारा, और मरा जान के उनको कुटिया में छोड़ के चले गए। क्योंकि अर्थ जो होता है उसके अंदर एक बल बहुत अच्छा होता है कि कितना भी पेन हो और कितना भी दर्द हो, चाहे शरीर का एक एक हिस्सा टूट जाए, वो उसको जब्ज कर लेता है, उसको सोक कर लेता है, उसको सोख लेता है, उसको पी जाता है, उसको शरीर पे और मन पे नहीं आने देता। यानी कि शरीर पे रहेगा, मन पे नहीं आएगा, तो उसका आभास नहीं होता। तो उन्होंने जब देखा कि अब शरीर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है और ज्यादा अब जिंदा नहीं रहूंगा, अब समय आ गया है, तो उन्होंने कहा कि भगवान से, भगवा से मिलके ही शरीर को छोड़ूंगा। तो अपना सारा जो अर्थ का बल था, यानी कि जो उन्होंने विपसना साधना सीखी, उस सारे बल को समेट कर उन्होंने और अपने शरीर को इकट्ठा किया, कर सकता है एक विपसना वाला अर्हत आदमी, और सारे दुखों को मन तक नहीं आने दिया, और वहां से घायल अवस्था में वो भगवान बुद्ध के पास वेणुवन राजगीर में पहुंचे। वहां जाके भगवान ने उनकी दशा देखी, वहां उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि अब मुझे परिनिब्बत होना है। परिनिब्बत मतलब पूरी तरह से, निब्बत का मतलब है निव्रत होना है, व्रत होना यानी अलग होना है। किससे अलग होना है? शरीर से अलग होना है, पृथ्वी से अलग होना है। अब मुझे अपना शरीर खत्म करना है, परिनिब्बत होना है। तो क्योंकि परिनिब्बान तो उनको पहले प्राप्त हो गया था, अब परिनिब्बत होने की बात थी। तो परिनिब्बत होने के लिए उन्होंने बंते से कहा, बंते ने कहा कि कब? तो उन्होंने कहा कि अभी। तो बोले ठीक है, कहाँ करोगे, कहाँ जाके छोड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि काल शिला पे, यानी काले पर्वत पे, काले पर्वत पे जाके मैं शरीर को छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महामोगलैन, आप जाते जाते भिक्कुओं को अपना जो देशना है वो देते हुए जाना। ये कमाल की बात देखिए कि मरने वाले हैं महामोगल्यान, और भगवान को पता है कि वो मरने के लिए तैयार हैं, मरने जा रहे हैं, फिर भी भगवान आदेश देते हैं कि अपना जो ज्ञान है उसको भिक्कुओं को दे के जाना। ऐसा ही भगवान ने किया था कि जाते जाते भी उन्होंने पढ़ाया और आखिर में भी ज्ञान दिया। ये एक ज्ञानी की, एक जानकार की सबसे बड़ी खासियत और खूबी होती है कि उसकी इच्छा ये रहती है कि मैं मरते मरते भी लोगों का लाभ करूं, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मरना सबको है, मगर जितना मैं उजाला फैला सकता हूं, जितना ज्ञान फैला सकता हूं, उतना मैं अपने जीते जी फैला के जाऊं। इसलिए जो अच्छे और ज्ञानी लोग होते हैं वो हर सेकंड लोगों को जानकारियां देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। और अभी तो बहुत अच्छा साधन है, आप एक वीडियो बनाइए और पूरी दुनिया में वो चली जाती है। आपके अगर ज्ञान ठीक है, सच्चा है, सम्यक है, सम्मा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भगवान बुद्ध की वीडियो तो हजारों लोग बना रहे हैं पूरी दुनिया में, हजारों भाषा में बना रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान इतना अच्छा है, इतना सम्यक है, इतना बढ़िया है। तो वही आदेश उन्होंने दिया और उन्होंने अपना भिक्खु संघ को अपना अंतिम जो ज्ञान था वो दिया। वो ज्ञान जो दिया उसको भगवान बुद्ध ने जो बताया वो इस प्रकार का रहा है, क्योंकि बाद में भिक्खुओं ने उनसे ये पूछा कि भगवान, जब महामोगल्यान इतने ज्ञानी थे, इतने ज्यादा अग्र थे, अग्र थे यानी आगे थे ज्ञान में, जिनका जो रिद्धि और सिद्धि बल है वो इतना ऊंचा था, जिन्होंने अलौकिक सिद्धियां की, सफलता प्राप्त की, सब जानते थे, बच भी सकते थे, उसके बाद भी इस बुरी तरह से मरे। क्योंकि भिक्खु कोई जो निर्वाण प्राप्त हो, जो अमृत जिसने छक लिया हो, वो बहुत शांति से मरता है, आंख खोल के मरता है, पूरी उम्र करके जैसे पका आम टपकता है ऐसे है, बीच में नहीं तोड़ा जाता। ये बीच में टूट गए, इनको बीच में मारा गया और वो भी इस बुरी तरह से, इसका क्या कारण रहा? तब भगवान ने बताया उनको कि बहुत पुराने समय में जो हाँ मुगल लैन को अगले कर्म के पाप रहे हैं, यानी जो पिछले कर्म में जो इन्होंने कर्म किए हैं वो अच्छे नहीं किए हैं। कथा तो ये कहती है, भगवान ने तो ये बताया कि इन्होंने अपने अंधे माँ बाप को
जंगल में ले जाके अपनी बीवी बच्चों के सामने वहां खूब डंडे से मारा पीटा और उनको खत्म कर दिया, तो मातका और पिता का दोष उन पर लगा हुआ था। चूंकि वो बहुत अच्छे थे पहले से, तो इसलिए वो मनुष्य जीवन में आए और उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इस दोष से वो इस जीवन में मुक्त हुए। कहा तो ऐसा है क्योंकि भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जितना आपको समझ में आए उतना आपको मानना है, जितना समझ में न आए वो अभी छोड़ देना है, जब समझ में आए तब मानना है। इसलिए आप उस बात को छोड़ें कि उनका पिछला क्या रहा क्या नहीं रहा, इस बात को देखें कि उनकी जो अधोगति हुई है, जो गति हुई है, उसके कारण पिछले पिछले कहीं ना कहीं कुछ रहे हैं, चाहे बेशक वो इस जन्म में रहे हैं चाहे पिछले में रहे हैं। क्योंकि अगर आप चोरी नहीं करेंगे तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं, और अगर आपको जबरदस्ती कोई पकड़ के ले भी जाता है तो आप छूट जाएंगे, और आप छूटेंगे नहीं तो जो आपको पकड़ के लेके जाएगा उसका सर्वनाश होना तय है, और आपका नाश नहीं होगा, आपका अच्छा होगा, ये नियम है प्रकृति का। तो वही भगवान बुद्ध ने बताया था कि किस तरह से कोई व्यक्ति जब अदंडनीय को, यानी जिसको दंड ना देना हो उसको भी दंड दे, तो 10 तरह के पाप उसको लगते हैं। 10 तरह में से एक तो मिनिमम लगता ही है, यानी 10 बातों में से एक पाप उसको लगेगा, एक तो उसके साथ होगा ही, 10 के 10 भी हो सकते हैं, 10 में से 2 भी हो सकते हैं। तो गाथा इस प्रकार है, यो दंडेन ए दंडेशु ए पदुठेशु दुस्सति दसन मय्य तरंग ठानं क्षिप्तमेव निगच्छन्ति निगच्छति। यो दंडेन ए दंडेशु, यानी जो दंड के द्वारा, ए दंडेशु यानी कि, ए दंडेशु का मतलब है जो अपराधी नहीं है, जो अपराधी नहीं है उसको अगर कोई दंड देता है, ए पदुठेन दुस्सति, ए पदुठेन का मतलब है निर्दोष पर, जिस पे कोई पद नहीं है, पदुठेन नहीं है, जिस पे कोई जो बुरा पद नहीं है, यानी कि जिसका पद कभी गलती के लिए उठा नहीं, जो निर्दोष है, अगर निर्दोष पे दोष लगाता है, यानी उसको दंडित करता है और उस पर दोष लगाता है जो भी कोई है। दस मनम दसन मय्यंतरंग, दसन मय्यतरंग ठानंग, दसन यानी कि 10 में से अन्य कोई दूसरा, दस मनन अय्यतरंग, अय्यतर माने होता है दूसरा, यानी दूसरा कोई, 10 में से कोई भी एक या दो या तीन या दूसरा, 10 में से कोई भी, ठानंग माने स्थान, खिप मेव निगच्छति, खिप मेव का मतलब है खिप माने शीघ्र ही, और एव माने ही, यानी शीघ्र ही निगच्छति, निगच्छति का मतलब है प्राप्त होता है या बाहर जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दंड दे जो कि अपराधी ना हो, निर्दोष पर दोष लगाए, तो उसको 10 में से एक कम से कम या अन्य कोई भी बहुत जल्दी दोष यानी उसका फल मिलता है। अब वो 10 क्या है, वेदं फरुसं जानिं सरिस्स च भेदनं गरुकं वापी आबादं चित्तखेपं च पापुणे। वेदंग फारुसंग जानी, वेदंग फारुसंग का मतलब है फारुस, फारुस माने होता है कठोर और वेद माने वेदनाएं, यानी कि जब बहुत ज्यादा कठोर वेदनाएं शरीर में आती हैं इसका मतलब दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं दर्द आएगा, माइग्रेन होगा, सर में दर्द होगा, हाथ पैर दर्द करेंगे, कहीं सीने में दर्द आएगा, कहीं किडनी में, कहीं हार्ट में, कोई भी तीव्र वेदना का दर्द आ सकता है। ये पहला है, यानी 10 में से जो 10 पताए हैं उनमें ये पहला है, क्या क्या हो सकता है ऐसे आदमी के साथ में जो किसी निर्देश को दंड देता है या उसको दोष देता है। तो या तो उसका पेन होगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, नंबर वन। दूसरा है जानिंग, जानिंग का मतलब है हानि, यानी कि उसकी कोई ना कोई नुकसान होगा, हानि होगा, उसका घर गिरेगा, उसका पैसा मरेगा, उसके ग्राहक भाग जाएंगे, उसकी फैक्ट्री लुट जाएगी, उसकी फैक्ट्री में लोग काम करने नहीं आएंगे, उसके घर में चोर घुस जाएंगे, उसके नौकर उसके खाने में थूकेंगे, उसके नौकर उसका खाना गंदे हाथों से बनाएंगे, उसका ड्राइवर तेल चुराएगा, या उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, या वो शराबी हो जाएंगे, या घर में बीमारी आ जाएगी, मतलब कोई भी हानि उसकी किसी भी तरह की, शारीरिक कायिक मानसिक कैसी भी हो सकती है। ये दूसरे नंबर का है। सरिस्स च भेदनं, सरिस्स च भेदनं का मतलब है शरीर को च भेदनं, यानी कि शरीर और शरीर का या भेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरीर का भेदंग हो जाएगा। क्या भेद होता है, टूटना फूटना, यानी कि अंग भंग हो जाएगा, शरीर का कोई हिस्सा टूट फूट जाएगा उसका, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई चीज गिर जाएगी, कहीं अटक जाएगा, कहीं लुढ़क जाएगा, कहीं पैर कहीं अड़केगा वहां गिर जाएगा, कुछ भी एक्सीडेंट उसका हो सकता है।
या कहीं जल जाएगा या कोई सामान किसी ने मार दिया तो उसका कोई अंग भंग हो सकता है, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है गरुकंग वापी आबाधन। गरुकंग वापी आबाधन का मतलब है गरुक माने होता है गंभीर गहरा, और वापी माने होता है या भी, और आबाद माने होता है रोग या व्याधि, यानी कोई गहरा भी रोग उसको हो सकता है। सरदर्द तो पहले बताया था, अब वो कहते हैं चौथे नंबर पे कोई गहरा रोग हो सकता है जिसको क्रोनिकल डिसीज बोलते हैं, जो लगातार 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 होती रहती है और एक साथ गहरी पता चलता है, जैसे कैंसर है या जैसे हेपेटाइटिस बी है, ये ऐसी क्रोनिकल डिसीज है, या टीबी है जो लगातार लगातार होती रहती है और फिर एक साथ असर दिखाती है, आदमी को मार देती है। तो कोई गहरा भी गंभीर रोग हो सकता है, ये चार नंबर पे है। और पांच नंबर पे है चित्तंखे पंग चे पापुणे। चित्तंखे पंचंग पापुणे, यानी कि पापुणे का मतलब है प्राप्त हो सकता है, चित्तंखेप का मतलब है चित्त की विक्षिप्ति, खेत का मतलब है विक्षिप्त होना, विक्षिप्त होना यानी कि पागलपन हो सकता है, चित्त का विक्षेपण हो सकता है, चित्त में उथल पुथल हो सकती है, पागलपन की स्थिति बोलते हैं इसको, मनोदशा की, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है। ये पांचवा है। छठा है इसमें राजतो व उपसंगं अभ खानं च दारुणं परिखयक च यातिनं भोगानंग च पभंगुरं। राजतो व उपसंगं, राजतो व उपसंगं का मतलब है जो उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग का मतलब है बाधा यानी कि डेंजर, यानी कि उसको जो राज है, राज से कोई उसे बाधा मिल सकती है, डेंजर मिल सकता है। राज का मतलब है कि सरकार की तरफ से उसे पनिशमेंट मिल सकती है, राजा की तरफ से पनिशमेंट मिल सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकती है, जेल जा सकता है, और किसी भी आईपीसी धारा में उसको सजा मिल सकती है, क्योंकि तो उसने पाप किया है, किसी को मारा है, उसके अकॉर्डिंग आईपीसी कोई धारा लगेगी तो उसको राजदंड बोलते हैं, यानी कि कोई बाधा पड़ सकती है राजा की तरफ से और देश की तरफ से, अगर लोकतंत्र है तो जो सिस्टम है सरकार का उसकी तरफ से उसको कोई ना कोई दंड मिल सकता है। ये छठे नंबर पे है। सातवें नंबर पे है इसका अभखानंग चे दारुणंग। अभखानंग चे दारुणंग का मतलब है दारुण माने होता है कठोर, और अभखानंग का मतलब होता है ए अभी आख्यानंग चे। अभी आख्यानंग चे का मतलब है ख्याति में कमी, अख्यान में कमी, ख्यान में कमी, यानी कि दोष, यानी कि उसको कोई कठोर दोष लग सकता है, कठोर निंदा हो सकती है, किसी को मारा, जैसे दुनिया में किसी देश में लोग मरते हैं तो बाकी देश उसकी निंदा करते हैं, या कोई एक धर्म का एक समुदाय का व्यक्ति किसी को मारता है तो दुनिया में कहते हैं कैसा धर्म का आदमी है रे, तेरा धर्म ऐसा सिखाता है कि तू आदमी की हत्या करेगा, तेरा कैसा धर्म है रे, तू कैसा धर्म वाला आदमी है, धर्म वाला आदमी तो आदमी को बचाता है, इंसान इंसान को बचाता है, तू तो धर्म के नाम पर इसका हत्या कर रहा है, तो उसकी निंदा होती है पूरी दुनिया के अंदर। कोई आदमी ये कहता है कि कोई रिचुअल्स हैं, कोई परंपरा है, उनकी वजह से उसको मार रहा है, तो उसकी निंदा होती है, अरे कैसी परंपरा लाया तू, इस परंपरा में आदमी आदमी को मार रहा है, ये तेरी परंपरा नहीं है तो जहर है, तू जहरीला आदमी है, तेरी निंदा करते हैं हम, तो निंदा करते हैं यानी कि गलत काम की निंदा करते हैं। कोई दुकान पर चोरी करता है दुकानदार, तो कहते हैं अरे तू कैसा दुकानदार है, चोरी करता है, ग्राहक तो भगवान होता है, तू भगवान की चोरी करता है, तो उसकी निंदा करते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी है, वो वहां रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है, तो तू कहता है कैसा जनसेवक है, काय का जनसेवक है रे, तू कैसा देशद्रोही है, तू अपने देश को ही गद्दारी कर रहा है, देश के लोगों से ही रिश्वत ले रहा है, देश के लोगों को ही तू लूट रहा है, अपने देश को ही लूट रहा है, अगर देश के लोगों को लूट रहा है, उसकी निंदा करते हैं। कोई पुलिस का अफसर है, वो अपराध नहीं लिख रहा है, तो उसकी निंदा करते हैं, कैसा पुलिस का है, तुझे तो लोगों को बचाना चाहिए, कानून को बचाना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए, अरे तू तो खुद ही जान ले रहा है, खुद ही देश को लूट रहा है, खुद ही अपराध को बढ़ा रहा है, खुद ही अपराधियों को बचा, तेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। ये निंदा का तरीका है। निंदा में बहुत सारी जो लोग हैं वो इतनी बद्दुआएं देते हैं कि उनका असर होता है और वो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो ये निंदा है आठवें नंबर की। आठवें नंबर पे है परिखंग चय। परिखंग चय का मतलब है पूरी तरह से खय, और चय का मतलब और होता है, यानी कि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, खय हो जाता है, यानी कि बीमार हुआ तो मर गया, बिजनेस खत्म हुआ तो लूट गया, परिवार खत्म हो गया उसका, कहीं कहीं मर गया, कहीं कोई फंस गया, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, तो पूरी तरह से वो अंदर से खत्म हो जाता है, परिखंग हो जाता है उसका, परिखय यानी पूरी तरह से क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो ये आठवां है जो पूरी तरह से क्षय होता है। नौवां है इसका
जो आठवें में पूरी तरह से क्षय होता है उसमें यातिनंग भी आता है, परिखंग यातिनंग, यानी पूरी तरह से क्या समाप्त होता है, यातिनंग रिश्तेदार, यानी नाती रिश्तेदार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, हमें इसके यहाँ नहीं जाना, तो वो किसी भी शादी ब्याह में कहीं जाते नहीं है, तो पूरी तरह से उसके रिश्तेदारों का, रिश्तों का विनाश हो जाता है। आप इसको देखिए कि आपके रिश्तेदार पहले कितने थे और अब कितने हैं। अगर आपके रिश्तेदारों में कमी आ रही है, आपके रिश्तेदार आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं या आप किसी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आपका परिखंग हो रहा है, यानी कि आपका पूरी तरह से क्षय हो रहा है। जो यातरंग है, यातरंग का मतलब है यात माने जानकार, यातरंग माने जानकार को, यातक माने होता है जिनको हम जानते हैं, जान मतलब जैसे हम कहते हैं रिश्ते नाती, तो इसको बोलते हैं रिश्ते याति या रिश्ते यातिकंग, पुराना शब्द है यातिकंग, यातिक से नाती बना है, रिश्ते नातों में जा रहे हैं, यानी रिश्ते यातों में जा रहे हैं। तो यातकंग आपके कितने हैं कितने नहीं है, उससे पता चलेगा कि आपका कितना क्षय हो चुका है, कितना नुकसान हो चुका है, कितना नहीं। जिन घरों में रिश्तेदार आते जाते रहते हैं वो घर पूरी तरह से सुरक्षित और बढ़िया होते हैं। जिन घरों में रिश्तेदारों का आना जाना, नातियों का आना जाना बंद हो जाता है, उनका पूरी तरह से क्षय और क्षय हो जाता है। ये आठवें नंबर का है। नौवें नंबर पर है भोगानंग चे पभंगुरंग। भोगानंग चे पभंगुरंग का मतलब है भोगों का पूरा नाश हो जाता है। भोगाचंग यानी कि भोगानंग, भोगानंग और जितना भी आप भोग रहे हैं, जितना भी उसका पूरी तरह से भंग हो जाता है, पै भंगुरंग हो जाता है। क्योंकि आप क्या भोग रहे हैं, आप सुख भोग रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों का सेवा करते हैं, पैसा मिलता है, आपके सुख है, आपको शांति है, कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। मगर अगर आप किसी को दंड देंगे, ऐसे को जो निर्दोष है, तो आपका वो सब खत्म हो जाएगा, आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपके खाना बंद हो जाएगा जो बढ़िया खा रहे हैं, आपकी शांति खत्म हो जाएगी, जो भी सुख भोग रहे हैं वो पूरी तरह से भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई घर अगर शांति से चल रहा है और अचानक उस घर में कोई झगड़ा हो जाए तो पभंगुरंग हो जाता है वो, यानी कि पूरी तरह से भंग हो जाता है। अब बाकी सब काम छोड़कर झगड़े में लोग लग जाते हैं। ऐसे ही किसी देश में अगर देश ठीक ठाक चल रहा है और उसका बेड़ा गर्क करना हो तो जबरदस्ती युद्ध कर दीजिए आप किसी भी देश से। जब आप देश से युद्ध करेंगे जबरदस्ती, उसकी अफगाह या उसकी चर्चा भी कर दीजिए, तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा देश डिस्टर्ब हो जाता है। जो निकम्मे राजा होते हैं, जो निकम्मे शासक होते हैं, जिनको देश से प्यार नहीं होता, जो देशद्रोही होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी देश पर हमला कर देते हैं और ऐसा शो करते हैं, पब्लिक को ऐसा दिखाते हैं कि देखो हमला हो गया, हमला हो गया, और हमला होने से पूरा देश अशांत हो जाता है, और जहां अशांति होती है वहां तरक्की नहीं होती, वहां डेवलपमेंट नहीं होता। कहते तो वो ये कि देश के फायदे के लिए काम करें, बेसिकली देश के लिए नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी शासक हैं, जितने भी राजा हैं, जो निकम्मे हैं, जिनको काम करना नहीं आता, वो जब हारते हैं या जब परेशान होते हैं तो वो जबरदस्ती किसी देश पर हमला कर देते हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो इमरजेंसी आ गई, आफत आ गई, और लोग सारी बात भूल जाए। मगर लोग भूलते नहीं है, लोग जानते हैं कि अगर कोई हमला करता है तो हमला करने का मतलब है कि वो देश निकम्मा हो चुका है, कमजोर हो चुका है। कमजोर व्यक्ति ही झगड़ता है, जो संपन्न होगा, जो बढ़िया होगा, वो कभी नहीं झगड़ेगा। इसलिए जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो दुकानदार लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो ये कहते हैं कि बाजार में शांति होगी तभी व्यापार चलेगा, अगर अशांति होगी तो सबसे पहले व्यापार ही बंद होगा, इसलिए बाजार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये है नौ नंबर का। जो दसवां है वो इस प्रकार है अथ वास अगारानी अग्गी डहती पावको कायस भेदा दुपयो निरयंग सोपज्जति। अथ वास अगारानी का मतलब है अथ माने होता है तब, और वस माने होता है जहां रहने के लिए, यानी रहने के लिए, वास करने के लिए, और अगारानी का मतलब है आग। अगर आने का मतलब है अगार, अगार से मतलब है घर, यानी कि रहने के लिए घर। अग्गी डहती पाव को, अग्गी माने आग और डहती माने जलाती है, पाव को माने भी आग होती है, मगर यहाँ पाव को का मतलब कुछ और है। पाव को का मतलब यहाँ पर है बुद्ध के वचन, यानी जो पैसे लगता है पावक होता है, जिसको प्रवचन बोलते हैं, बुद्ध के वचन। कायस भेदा दुपयो, कायस भेदा दुपयो का मतलब है जो काया है उसको भेदता है कौन, दुपयो यानी जिसको दुष्ट पहिया है, यानी कि जो दुष्ट समझदार है, यानी समझदार तो है मगर दुर्बुद्धि है, काम खराब कर रहा है। समझदार तो है मगर तलवार से काट रहा है आदमियों को, समझदार तो है मगर चाकू पेट में मार रहा है, समझदार तो है मगर गोली से आदमियों को मार रहा है,
यानी समझदार तो है मगर दुर्बुद्धि है, उसको दो पहियों बोलते हैं, पहियावान है मगर दो पहियावान है। निर्यंग सो पज्जति, सो माने वह और पज्जति माने पैदा करता है, निर्य यानी कि निर्य में उत्पन्न होता है, पैदा करता है। इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया, शरीर को आग जलाती है जिसमें वो रहता है, उसके बुद्ध वचनों को जलाती है, उसकी जो दुपहिया है यानी दुबुद्धि है वो शरीर को भेदती है और वो निर्य में उत्पन्न होता है। दसवां जो नियम उन्होंने बताया वो इस प्रकार है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को निर्दोष को मारता है, उसके जो प्रवचन होते हैं, जो उसने भगवान की अच्छी बात सुनी है या जो सही बात सुनी है जिनको पावक बोलते हैं, उसका शरीर यानी कि उसका जो खुद का शरीर है जहां वो रह रहा है वो जलना शुरू हो जाता है। जैसे हम पाप करके आते हैं तो हमारे अंदर आग लगनी शुरू हो जाती है, पाप कर्म हमको जलाता है, शांति नहीं मिलती। अच्छा काम करके आएंगे, भूखे को खाना खिला के आएंगे तो हमारे को शांति रहेगी, ठंडक रहेगी अंदर, मगर हम किसी भूखे का खाना छीन के आएंगे तो हमें अनुताप रहता है। उस अनुताप का मतलब है अनुसार हम तपते हैं, वो पश्चाताप रहता है, पश्चाताप का मतलब है कि बाद में हम तपते हैं, यानी कि मन इस बात के लिए गिलानी देता है कि हमने खाना क्यों सीखा। चाहे दुनिया में कोई कितना भी कैसा भी आदमी हो, अगर ह्यूमन है, मनुष्य है और मूड नहीं है तो उसे अनुताप होगा ही होगा, चाहे भले उसको रियलाइज होना हो, उसको अनुभव होना हो, मगर वो शरीर के अंदर चलेगा, तो उसके शरीर को ही जलाती है वो अग्नि। यहां जो मतलब है घर जलाने से मतलब है कि शरीर को घर कहा गया है, कि दसवां यह है कि उसका जो शरीर है, उसका जो घर है जिसमें वो रहता है, यानी मैं अपने शरीर में रहता हूं तो ये जो पाप है ये मेरे शरीर को ही जलाता है। और कैसे जलाता है? जो मेरी अच्छाई है, जो मैंने प्रवचन सुना है भगवान बुद्ध का, जो मैं पालन करता हूं, उसको तपता है, उसको जलाता है, उसको खत्म करता है। कैसे करता है? जैसे जो दुष्प्रिया होता है उसके शरीर को तोड़ता है, यानी कि अगर जो प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध हो गया, एक दुबुद्ध हो गया, यानी जो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है वो जैसे अपने शरीर को तोड़ता है, फोड़ता है, खत्म करता है, इसी प्रकार उसको जब बाद में उसकी उत्पत्ति होगी, क्योंकि इतना उसने पाप किया है, तो फिर वो निर्य में जाएगा, निर्य के लिए जाता है, उत्पत्ति होती है। निर्य मैंने कई बार बताया है, मैं फिर बता देता हूं आपको, निर्य का मतलब है अधोगति होती है, जहां भी जाएगा दुख साथ लेके जाएगा, दुख की फाइल लेके जाएगा, और जब पैदा होगा तो दुख के साथ, वेदना के साथ पैदा होगा और उसको भुगतेगा भी। ऐसा भगवान बुद्ध ने 10 बातें इन 4 गाथाओं में बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पाप आपके पास आता है तो 10 बातें याद रखें, इन 10 में से कम एक होगी, 10 की 10 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, समय के अनुसार होगी जरूर। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पाप करके आओ और उसका आपको रिजल्ट ना आए, आप पुण्य करके आओ और उसका रिजल्ट ना आए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो देश के लोग आपको प्यार करेंगे, अगर आप खराब काम करोगे तो देश के लोग आपको जूता मारेंगे। ये बात बिल्कुल सर्टिफाइड और पक्की है, ये आप घर में भी अजमा के देख सकते हैं कि घर में अच्छा काम करेंगे तो घर वाले प्यार करेंगे और घर में अच्छा काम नहीं करेंगे तो घर वाले भी प्यार नहीं करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.
गच्छामि। तृतीयमपि धम्मं शृणु गच्छामि। तृतीयमपि धम्मं शृणु गच्छामि। तृतीयमपि संघं शृणु गच्छामि। कामेश निठटार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेश निठटार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेश निठटार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि।